सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं अपने मी बॉक्स 4K का Amazon Fire TV स्टिक के साथ में। दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और दोनों ही बेस्ट सेलिंग भी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस डिवाइस की परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है, किस पर आपको ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं और कौन सा डिवाइस आपको खरीदना चाहिए। तो ये है दो बेस्ट सेलिंग एंड्रॉयड टीवी डिवाइसेस, जिनमें से एक तो है Xiaomi की तरफ से आने वाला Mi Box 4K जो कि अभी रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, और दूसरा है Amazon का Fire TV स्टिक। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों डिवाइसेस का डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं डिवाइसेस के फिजिकल ओवरव्यू के साथ में। तो पहले तो हम बात करते हैं Xiaomi के Mi Box 4K की, और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो डिवाइस आता है बिल्कुल स्केरिश से डिज़ाइन में, जो कि मार्केट में अवेलेबल बाकी एंड्रॉयड टीवी डिवाइसेस के काफ़ी आइडेंटिकल है। डिवाइस पर आपको सामने की तरफ एक LED लाइट भी मिल जाएगी जो कि आपको डिवाइस के पावर अप होने का स्टेटस बताएगी, और उसके अलावा इस डिवाइस पर आपको कुछ कनेक्टिविटी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे जिसके बारे में हम आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। और उसके अलावा ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, क्वालिटी इस पर हमें काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। सामने की तरफ मी का लोगो है, और वहीं पर यही तो हम Amazon Fire TV स्टिक की बात करें तो ये आती है काफ़ी कॉम्पैक्ट से डिज़ाइन में। सामने की तरफ Amazon का लोगो है, और ये डिवाइस भी काफ़ी पॉपुलर है इंडियन मार्केट में। और जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसे हम एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स तो नहीं बल्कि एक स्ट्रीमिंग स्टिक कह सकते हैं, क्योंकि इस डिवाइस पर हमें एक USB पावर इनपुट के अलावा कोई भी और एक्सटर्नल कनेक्टिविटी पोर्ट्स देखने को नहीं मिलते जैसे कि हमें बाकी एंड्रॉयड टीवी बॉक्सेस में देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस पर आपको सिर्फ एक HDMI स्लॉट देखने को मिलता है जिससे आप इस डिवाइस को अपने टीवी के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस की स्पेसिफिकेशंस और प्राइसिंग की। तो यहाँ पर हमारा Mi Box 4K आता है 2GHz के क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ में। 2GB की इसमें आपको रैम मिल जाएगी, 8GB इंटरनल स्टोरेज है, 3.5mm ऑडियो आउटपुट मिल जाएगी जो कि सपोर्ट करती है डिजिटल ऑडियो को भी। डिस्प्ले में HDR10 का भी यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाता है, और उसके अलावा Dolby ऑडियो और DTS 2.0 का भी सपोर्ट है। और आखिरी में ये तो हम इस डिवाइस की प्राइसिंग की बात करें तो आप इस डिवाइस को Flipkart से 3,499 रुपये में परचेज कर सकते हो। और उसके अलावा Amazon Fire TV स्टिक पर आपको मिल जाता है 1.3GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, 1GB की रैम है और 8GB इंटरनल स्टोरेज। डिस्प्ले में HDR को तो ये सपोर्ट नहीं करता, पर यहाँ पर आपको Dolby ऑडियो ज़रूर से मिल जाता है। और प्राइसिंग की ये तो हम बात करें तो आप इस Amazon Fire TV स्टिक को Amazon से 3,999 रुपये में परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस पर मिलने वाले कनेक्टिविटी पोर्ट्स की। तो यहाँ पर हमारे Mi Box 4K पर हमें देखने को मिल जाता है एक 3.5mm ऑडियो जैक जो कि डिजिटल ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, और उसके साथ ही में है एक HDMI पोर्ट और एक USB पोर्ट। उसके अलावा ये डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है। और वहीं पर ये तो हम Amazon Fire TV स्टिक की बात करें तो Amazon Fire TV स्टिक पर आपको कोई भी एक्सटर्नल कनेक्टिविटी पोर्ट देखने को नहीं मिलता, आपको सिर्फ इस स्टिक पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ही ऑप्शन मिलता है। तो चलिए बात करते हैं डिवाइसेस पर मिलने वाले यूज़र इंटरफेस और परफॉर्मेंस की। और पहले हम बात करेंगे Mi Box 4K की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कुछ इस तरह की यूज़र इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यूज़र इंटरफेस बिल्कुल क्लीन और सिंपल है क्योंकि ये आता है बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड लुक के साथ में। ऊपर की तरफ आपको इंस्टॉल एप्लीकेशन की लिस्ट देखने को मिल जाती है, और यहाँ से आप इन फीचर कॉन्टेंट ऐप्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको गूगल असिस्टेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आप टैप करके इस पर वॉइस कमांड्स भी दे सकते हो। यहाँ पर है सेटिंग ऑप्शन और साथ ही में है करंट टाइम। सेटिंग्स में चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो ये डिवाइस है वो रन हो रहा है लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन 9। चलते हैं हम इसके डिस्प्ले वाले ऑप्शन में, और जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक 4K डिवाइस है, और मैंने इस डिवाइस को भी अपने 4K टीवी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डिवाइस है वो 4K रेजोल्यूशन पर ऑटोमेटिकली सेट है। चलते हैं अब हम इसके साउंड वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको कई सारे ऑडियो फॉर्मेट्स देखने को मिल जाते हैं। ये तो आप यहाँ से मैनुअल पर इसे सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पर Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS जैसे साउंड फॉर्मेट्स देखने को मिल जाते हैं। और यही तो आप इस डिवाइस पर डिजिटल ऑडियो पोर्ट के थ्रू अपने 5.1 चैनल होम थिएटर को कनेक्ट करते हो तो आपको काफ़ी बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। और उसके अलावा स्टोरेज की तो हम यहाँ पर बात करें तो आपको इस डिवाइस पर सिर्फ 8GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, और उसमें से आपके लिए सिर्फ 5.4GB अवेलेबल रहती है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। डिवाइस की परफॉर्मेंस की ये तो हम बात करें तो डिवाइस पर लगा हुआ है 2GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, और साथ ही में ये आता है 2GB की रैम के साथ में। तो ऐसे में इस डिवाइस पर आपको कोई भी परफॉर्मेंस इशू देखने को नहीं मिलता।
मैंने अभी इस डिवाइस पर YouTube से एक 4K वीडियो को प्ले किया हुआ है और मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ कि जो ये वीडियो है अभी 4K रेजोल्यूशन पर ही रन हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हो, वीडियो जो है अभी 4K रेजोल्यूशन पर सेट है। और उसके अलावा ये तो आप यहाँ पर एक ऐप से दूसरी ऐप में डायरेक्टली स्विच होते हो, तब भी आपको यहाँ पर किसी भी तरह का लैग और ना ही किसी भी तरह का परफॉर्मेंस इशू देखने को मिलता है। और मैंने इस डिवाइस को लगातार काफ़ी देर तक यूज़ करके भी देखा, तब भी हमें इस डिवाइस पर किसी भी तरह का हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिला। गेमिंग परफॉर्मेंस भी इस डिवाइस पर आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है। मैं अभी इस डिवाइस पर प्ले कर रहा हूँ एसफॉल्ट 8 गेम को, जो कि काफ़ी हैवी एक गेम है, और फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो आपको किसी भी तरह का लैग देखने को नहीं मिलता। और गेम को प्ले करने के लिए मैंने अब इस डिवाइस पर अपने रेड गियर वायरलेस गेम पैड को कनेक्ट किया हुआ है, जो कि इस डिवाइस के साथ में काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। उसके अलावा इस Mi Box 4K पर आपको फुल गूगल प्ले स्टोर का भी सपोर्ट मिल जाता है, जहां से आप कई सारी एप्लीकेशंस और कई सारी गेम्स को इस पर इंस्टॉल कर सकते हो। इस लिस्ट में आपको सभी पॉपुलर ऐप्स और गेम्स इंस्टॉल करने को मिल जाएंगी। हालांकि इस डिवाइस पर आपको Amazon Prime Video ऐप भी देखने को मिल जाती है, लेकिन ये ऐप इस डिवाइस पर इतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं करती। ये एप्लीकेशन इस डिवाइस पर थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करती है, और इस एप्लीकेशन के कुछ बेस्ट फीचर भी इस डिवाइस पर आपको देखने को नहीं मिलते, जैसे कि हमें Amazon Fire TV Stick में देखने को मिलते हैं। Amazon Fire TV Stick के यूजर इंटरफेस की ये तो हम बात करें, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का UI देखने को मिल जाता है। हालांकि ये भी Android बेस्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको कस्टम स्क्रीन देखने को मिल जाती है। इसके होम स्क्रीन पर ही आपको काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, और इसकी होम स्क्रीन से ही आप काफी सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि मूवीज, टीवी शोज और एप्स को आप यहीं से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। इसकी ऐप स्टोर में भी सभी पॉपुलर ऐप्स और गेम्स अवेलेबल है। इस लिस्ट में से आप काफ़ी सारी ऐप्स और गेम्स को भी इस डिवाइस पर इंस्टॉल कर सकते हो, और मेरे हिसाब से इसका यूज़र इंटरफेस Mi Box पर मिलने वाली UI से थोड़ा बेहतर है। मेरे पास है ये Amazon Fire TV Stick का HD वर्जन, जो कि मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। और मैं इस डिवाइस को Mi Box 4K के साथ में इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर है। चलते हैं इसके ऑडियो वाले ऑप्शन में, और यहाँ पर आपको सिर्फ Dolby Digital Plus का ही ऑप्शन देखने को मिलता है, और वहीं हमें Mi Box 4K पर काफ़ी सारे ऑडियो फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। डिवाइस पर मिलने वाले स्टोरेज की ये तो बात करें, तो यहाँ पर भी आपको 8GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जहाँ पर आपके लिए सिर्फ 5.94GB अवेलेबल रहती है। उसके अलावा डिवाइस पर मिलने वाली परफॉर्मेंस की ये तो हम बात करें, तो ये डिवाइस Mi Box 4K जितना पावरफुल तो नहीं है, पर यहाँ पर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। डिवाइस पर लगा हुआ है 1.3 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर, और साथ ही में ये आता है 1GB की रैम के साथ में। तो डेफिनेटली ये डिवाइस Mi Box 4K जितना तो पावरफुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट मिल जाती है। और यही तो आप इसके बैकग्राउंड में 2-3 एप्लीकेशन से ज़्यादा एप्लीकेशन को रन नहीं करते हो, तो आपको इस डिवाइस पर काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं डिवाइसेस पर मिलने वाली स्क्रीन मिररिंग और स्क्रीन कास्टिंग की। तो दोनों ही डिवाइसेस पर आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को मिरर या फिर कास्ट भी कर सकते हो। Amazon Fire TV Stick पर स्क्रीन को कास्ट करने के लिए आपको जाना होगा इसकी सेटिंग्स में, डिस्प्ले एंड साउंड्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मिररिंग वाले ऑप्शन को इनेबल करना है, और फिर आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। और फिर आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाना है, कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन में आपको वायरलेस डिस्प्ले वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। और यहाँ पर अब आपको अपने Amazon Fire TV Stick के नाम पर टैप करना है, और उसके बाद आपके फ़ोन की स्क्रीन TV के साथ में मिरर हो जाएगी। तो फ़ोन की स्क्रीन को Amazon Fire TV Stick पर मिरर करने के लिए आपको यहाँ पर इसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, और वहीं Mi TV पर स्क्रीन मिरर करने के लिए आपको किसी भी सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्क्रीन मिररिंग हमारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और गैलरी से मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि मिररिंग में कितना लैग हमें देखने को मिलता है। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, स्क्रीन मिररिंग के वक्त हमें यहां पर हल्का सा लैग जो है वो दिखाई देता है। और यही तो ज़्यादा टाइम तक आप अपने फ़ोन की स्क्रीन Amazon Fire TV Stick पर कास्ट करते हो, मतलब कि 5 मिनट से ऊपर ये तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन इस पर कास्ट करते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लैग वहां पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। और उसके अलावा Mi Box 4K पर अपने फ़ोन की स्क्रीन को मिरर करने के लिए आपको डिवाइस में किसी भी तरह की सेटिंग्स इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ से वायरलेस डिस्प्ले वाले ऑप्शन को इनेबल करके आप डायरेक्टली अपने फ़ोन की स्क्रीन इस पर मिरर कर सकते हो। ये गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉयड TV डिवाइस है, और इसीलिए ये डिवाइस सपोर्ट करता है क्रोमकास्ट को। और Amazon Fire TV Stick के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको लैग भी कम देखने को मिलता है। चलते हैं फ़ोन की गैलरी में, और मैं यहाँ से आपको कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ।
और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो Amazon Fire TV Stick के कंपैरिजन में हमें यहाँ पर काफ़ी कम लैग देखने को मिलता है। मिररिंग अभी तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रही है, और ये तो आप इस डिवाइस पर भी अपने फ़ोन की स्क्रीन को काफ़ी देर तक मिरर करते हो तो यहाँ पर भी आपको कुछ देर बाद लैग देखना शुरू हो जाएगा। तो दोनों ही डिवाइसेस पर कुछ देर की स्क्रीन मिररिंग के बाद लैग आना शुरू हो जाता है, लेकिन Mi TV 4K Android TV Box को आपको फिर भी काफ़ी बढ़िया स्क्रीन मिररिंग क्वालिटी मिल जाती है। तो चलिए बात करते हैं डिवाइसेस पर मिलने वाले रिमोट कंट्रोलर्स के बारे में। तो दोनों ही डिवाइसेस पर आपको मिल जाते हैं ब्लूटूथ रिमोट कंट्रोलर्स, और दोनों ही सपोर्ट करते हैं वॉइस कमांड्स को भी। Mi TV के रिमोट कंट्रोलर पर आपको Netflix और Prime Video के डेडिकेटेड बटन्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर म्यूट बटन मिसिंग है। वहीं Amazon Fire TV के रिमोट पर म्यूट बटन तो अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर Netflix और Prime Video जैसे डेडिकेटेड बटन्स अवेलेबल नहीं है। और उसके अलावा रिमोट की क्वालिटी आपको Fire TV Stick पर ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाती है, और जहाँ Mi TV के रिमोट पर आपको Google Assistant बटन देखने को मिल जाता है, और वहीं Amazon Fire TV Stick के रिमोट पर आपको Alexa का सपोर्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स, आखिरी में मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि ये तो आप अपने टीवी के लिए एक ऐसा एंड्रॉयड स्ट्रीमिंग डिवाइस ढूंढ रहे हो जिसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हो, जिसको आप एज अ मीडिया प्लेयर भी यूज़ कर सके, और जिस पर आप किसी भी वायरलेस गेम पैड को कनेक्ट करके गेमिंग भी कर सके। तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए Mi Box 4K की तरफ, और वहीं पर यही तो आप एक बेटर यूज़र इंटरफेस एक्सपीरियंस करना चाहते हो, और आपके पास Amazon Prime की मेंबरशिप भी है, और आप ज़्यादा करके Amazon Prime कंटेंट ही देखना चाहते हो, तो आपको डेफिनेटली फिर तो जाना चाहिए Amazon Fire TV Stick की तरफ। दोनों ही डिवाइसेस के लिंक्स आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और उसके अलावा ये तो आप इन दोनों ही डिवाइसेस के रिलेटेड मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके या फिर मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय।